आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। आज का जो हमारा प्रश्न है वो ये है कि निम्नलिखित व्यंजक का पूर्ण संख्या में निकटतम मान ज्ञात कीजिए, हमें इसका मान ज्ञात करना है। तो इसको हल करने के लिए सबसे पहले एक बोधमास का सूत्र आता है, आप वो समझ लीजिए। बोधमास का सूत्र जो होता है वो हम उसको इस प्रकार से लिखते हैं, ये जो है वो बोधमास का सूत्र है जिसमें कहता है कि सबसे पहले ब्रैकेट को हल कीजिए। ब्रैकेट का मतलब सबसे पहले आप बड़े ब्रैकेट को, फिर मझौले ब्रैकेट को और फिर छोटे ब्रैकेट को हल कीजिए। ओ जो है वो कहता है उसके बाद से ऑर्डर को हल कीजिए, यानी कि ये घातांक को निरूपित करता है। डी जो है वो कहता है कि उसके बाद से डिवीजन यानी कि भाग को हल कीजिए। एम जो है वो मल्टीप्लिकेशन यानी कि गुणा को हल कीजिए। ए जो है वो एडिशन यानी कि जोड़ का कार्य कीजिए। और जो एस है वो सब्सट्रैक्शन यानी कि घटाव का कार्य कीजिए। तो जैसा कि हम यहाँ पे देख पा रहे हैं, हमारे पास गुणा का चिन्ह मौजूद है, ब्रैकेट है और जोड़ है। तो सबसे पहले हमें ब्रैकेट करना है, तो ब्रैकेट करेंगे तो इसको लिखेंगे 349 गुणे 51 और प्लस ब्रैकेट को हल करेंगे तो 632 में 31 से गुणा करेंगे। क्या करेंगे, 632 में हमें किससे गुणा करना है, 31 से। तो दो एकम क्या हो जाएगा, एक दुना क्या हो जाएगा, दो, और ये तीन, और ये छः। तीन दुना क्या हो जाएगा, छः, तीन तरीका नौ, और छः का छठवें बाद छतरी 18 हो जाएगा। इसको हल कीजिएगा तो दो छः सात आठ नौ हो जाएगा, और ये नौ छः जोड़ेंगे तो 15 आएगा। 15 का हम क्या लिखेंगे, 5 लिख देंगे, हासिल कितना लगेगा, एक, और ये 8 है, और ये क्या हो जाएगा, 9, और ये क्या हो जाएगा हमारे पास, एक का एक ही हो जाएगा, यानी कि ये हमारे पास आ जाएगा, सॉरी ये एक है, ये एक है, 19592। यानी कि ये क्या हो जाएगा हमारे पास, ब्रैकेट को हटा करके लिख लेते हैं 19592। ठीक, अब क्या करेंगे, अब फिर हम इसको देखें तो हम अब फिर गुणा का कार्य करना है, यानी कि 349 में 51 से गुणा करना है। तो जब 351 में 49 से आप गुणा कीजिएगा, सॉरी 349 में यदि आप 51 से गुणा करेंगे तो आपको मिलेगा 17799, और इसमें किसको जोड़ना है, हमको 19592 को जोड़ना है। तो यदि आप इसको जोड़े तो आपको क्या मिलेगा, तो आपको मिलेगा 37391। क्या मिल जाएगा आंसर, 37391। यानी कि यदि हम इसको हल करें तो इसका जो सरलतम रूप होगा वो होगा 37391, जो कि पूर्ण संख्या के रूप में मौजूद होगा। और यहाँ पे हम विकल्प में देख पा रहे हैं कि ऐसा कोई उत्तर नहीं लिखा है, यानी कि जो हमारा सही उत्तर होगा वो क्या होगा, यही होगा। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE, मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400400400 पर।